क्या अब हम यहाँ से चल सकते हैं? अपनी पूरी उम्र इस ब्लॉसम वेल में बिताने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तुम जाओ केट, हम बाद में आएंगे। हमें किसी की देखभाल की जरूरत नहीं। हाँ, और हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पर बॉट है, और वो हमारे स्नैक्स भी नहीं खाएगा। ये डैड का आइडिया था समझे, मेरा नहीं। अगर ग्राहम इतना बिजी नहीं होता तो वो बोल्डर का ड्राइवर होता और मैं आराम से घर पर सोता। बर्ड्स देखने के लिए एकदम खामोश रहना पड़ता है। मतलब किसी पुतले की तरह। सिर्फ बोल्डर ही ऐसे टाइम पास का मजा उठा सकता है जिसे इंसान भी बोरिंग कहते हैं। पृथ्वी के अलग अलग बर्ड्स और उनकी खूबसूरती देखकर मुझे खुशी होती है। साइबरट्रॉन में ये सब नहीं था। वो कौन सी बर्ड है बोल्डर? मेरे ख्याल से वो रेड हेडेड कुकू है। ये कहते हुए तुमने मेरी तरफ क्यों देखा? चलो घर चले। शुक्र है कोडी, फ्रैंकी, चलो। अब कहाँ गए वो? हम ऊपर हैं। हम यहाँ ऊपर से पूरा नजारा देखना चाहते हैं। ओह, वुडपेकर्स और उसके बच्चे। बच्चे कहाँ है? मुझे यहाँ से दिख नहीं रहे। हे, सुनो, वहाँ से नीचे उतरो, तुम गिर सकते हो। फिक्र मत करो केट, कुछ नहीं होगा। नहीं, सोए थे चार बॉट्स कहीं पर, चार सालों बाद नई जगह पर, बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर? रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉस। पावर अप एंड एनर्जाइज। ये क्या पागलपन था? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो पता है ना डैड मेरा क्या हाल करते। सॉरी किड, हमें माफ कर दो। वो बर्ड्स ठीक है ना बोल्डर? बिल्कुल ठीक है। ये तुम्हें पसंद करती है। गुदगुदी होती है, और ये दोनों मुझे सबसे अच्छे लगे। हाय डैडी, मैं बस अभी चलती हूँ। देखिए आज हमने क्या देखा। अब तक मैं आइलैंड की 40 जानी मानी बर्ड स्पीशीज में से 27 देख चुका हूँ। मुझे तो प्यारे लगे, कमजोर हैं, लेकिन प्यारे हैं। पर बड़ी अजीब बात है, उन वुडपेकर्स का जिक्र मेरी बुक में नहीं है। शायद वो छिपे हुए हैं, इसलिए तुम उनकी जासूसी कर रहे हो। क्या तुम्हें शक है कि वो जंगल को लेकर कोई साजिश कर रहे हैं? मुझे इसमें कुछ खास नहीं लगता है, लेकिन तुम जो चाहे देख सकते हो। मैं खुद भी उस बर्ड की सब फैमिली को पसंद करता हूँ, शायद मैं पहचान सकूँ कि वो। ये क्या, कोई गड़बड़ है डॉक? अब समझ में आया, बोल्डर की बुक में इन बर्ड्स की तस्वीर इसलिए नहीं है क्योंकि वो अब खत्म हो चुकी हैं। मेरा मतलब सबको ऐसा लगा था, लेकिन हमने गलत सोचा था। डॉक ने सही कहा, बोल्डर ने ऐसा गोल्डन क्रेस्टेड वुडपेकर ढूंढा है जिसे 40 साल में किसी ने नहीं देखा। शानदार की बात है। बधाई हो बोल्डर। ग्रिफिन रॉक में खत्म हो चुकी बर्ड, ये तो धमाकेदार न्यूज होगी। नहीं, हमें ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, कम से कम जब तक मैं अथॉरिटीज से कांटेक्ट नहीं कर लेता। इन बर्ड्स की एंडेंजर्ड स्पीशीज के तौर पर हिफाजत की जानी चाहिए। इनके लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि टूरिस्ट्स की भीड़ इनके रहने की जगह को बर्बाद कर दें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मेरे होंठ अगर होते तो एकदम सिल जाते। फिक्र मत करो डॉक, इतनी आसानी से कुछ नहीं बताऊंगा मैं। शाबाश बोल्डर, इतनी बड़ी खोज करना कोई मामूली बात नहीं है। भले ही आप दुनिया को नहीं बता सकते। हाँ, जैसे हमने बहुत कुछ बता दिया अपने बारे में। हम सब जानते हैं कि हमारा मिशन इंसानों की मदद करना है, लेकिन उन क्रिएचर्स का क्या जिन्हें इंसानों से हिफाजत चाहिए? सही कहा, ये अजीब बात है पर सोचने पर मजबूर करती है। खासकर बेबीज को रखवाली की जरूरत है, वो तो उड़ भी नहीं सकते। वो नन्हे और लाचार होते हैं, और उनके छोटे पंख होते हैं, उन्हें तो देखकर ही प्यार आता है। मैं तैयार हूँ। मैं भी हूँ, अगर चीफ इजाजत दें तो। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं,
बस शर्त यह है कि तुम अपना असली काम अनदेखा नहीं करोगे। बिल्कुल हीट वेव, तुम चलोगे? हमारा काम इंसानों को महफूज रखना है, ना कि बर्ड्स को। ये चीज हमारे मिशन में शामिल नहीं है। मुझे इससे दूर रखो। अच्छा तो वुडपेकर्स हैं, रेस्क्यूअर्स हैं, अब क्या? अब हम उनकी रखवाली करेंगे। मैं इलाके को सुरक्षित करता हूँ। ये किस तरह का मजा है? शायद बर्ड्स को वो वाली फूलों की झाड़ी यहाँ अच्छी लगे, उन्हें खूबसूरती अच्छी लगती है ना? अच्छा आइडिया है, उसके लिए हम इन पुरानी लकड़ियों को हटा देते हैं। हो गया, मुझे यकीन है बर्ड्स को ये फूल पसंद आएंगे। मधुमक्खियों को ज्यादा पसंद आए। मैं इन्हें थोड़ी दूर लगा देता हूँ। पता नहीं, लेकिन किसी वजह से वो डर रहे हैं। शायद किसी सुरीले म्यूजिक से उनका डर कम हो जाए। मेरे पास MP3 प्लेयर है, हम इसे ब्लेड्स में लगाकर चला सकते हैं। नहीं कर सकता, ये अटक गया है। मैं इतने शोर में निगरानी का काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। डैड, मैंने सोचा जाकर देखता हूँ सब कैसे चल रहा है। मुझे नहीं पता था कि वुडपैकर्स की हिफाजत के तुम्हारे प्लान में उन्हें पूरी तरह डराना भी शामिल है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मकसद अच्छा है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करने और बहुत कुछ करने के बीच में तालमेल बनाना होगा, वरना इसके नतीजे ऐसे होंगे जो तुमने सोचे भी नहीं होंगे। देखो बेबीज बाहर आ गए और वो उड़ने के लिए तैयार लग रहे हैं। बडीज, बहुत आसान है, तुम वही करो जो मैंने पहली बार किया था। आंखें बंद करो और चिल्लाओ। ओ ओ ओ ओ ओ नो। हद करते हो हैरिसन। सॉरी। ओह नो। साथियों, इस काम के बाद दो और कॉल्स पर भी जाना है। डैड, ये गलत बात है। हम यहाँ सारा काम कर रहे हैं जबकि बाकी सब उन बर्ड्स के बच्चों को संभाल रहे हैं। मुझे वो बर्ड्स इतनी भी एंडेंजर्ड नहीं लगी। अभी अभी तुमने एंडेंजर्ड बर्ड्स कहा, वो भी हमारे इस आइलैंड पर है। मेरा मतलब था डेंजरस बर्ड्स, जैसे ईगल्स और वल्चर्स और बैराकूडास। केट, मैं तुम्हें बेवकूफ दिख रहा हूँ? अब सच कैसे कहूँ? मेयर होने के नाते मेरा ऑर्डर है कि सब सच सच बताओ। ठीक है, मैंने सुना है कि यहाँ गोल्डन क्रेस्टेड वुडपैकर्स का एक परिवार है जो सबको लगता है कि खत्म हो चुका है, लेकिन ये राज है, इसलिए किसी को बताना मत प्लीज। फिक्र मत करो बच्चे, मुझे राज को राज रखना आता है, आखिर मैं एक पॉलिटिशियन हूँ। तो रेस्क्यू के लिए थैंक्स, बाय बाय। रोबोट व्हीकल मोड। अल्फा, कभी गोल्डन क्रेस्टेड वुडपैकर्स के बारे में सुना है तुमने? नहीं। तो फिर जाकर देखो और तैयार हो जाओ कि अब यहाँ टूरिस्ट की बाढ़ आने वाली है। और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि गोल्डन क्रेस्टेड वुडपैकर हमारे ग्रिफिन रॉक में पाया गया है। जल्द ही हमारा टाउन दुनिया भर में मशहूर हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से सुनो, मेयर वुडपैकर्स के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या, किसने बताया उन्हें? और कौन बताएगा, वही जो इतनी आसानी से नहीं बताने वाला था। उन्होंने मजबूर किया, और वैसे भी ये नहीं हुआ होता अगर सबके सब जंगल में नहीं गए होते। मेरा मुंह बंद रखने के लिए कोई तो यहाँ होना चाहिए था ना। सही कहा, जैसे ये बड़ा आसान काम है। मेलस की दुनिया ये जानने को बेताब है कि इन शानदार बर्ड्स की खोज किसने की है। मैं उसका नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। और हमारे प्यारे दर्शकों के बीच की,
बर्न्स फैमिली शायद इस बारे में कुछ बता सकती है। हक्सली का फोन हुआ तो? मुसीबत में फंसे इंसान का हुआ तो? ग्रिफिन रॉक, ओह हाय मिसेस प्रेस्कॉट। दैट, इससे अच्छा कोई रॉन्ग नंबर नहीं हो सकता था जो ये टपक पड़ा। कोरी बर्न्स, क्या ये सच है? जैसा कि मेयर ने बताया कि वो बर्न्स फैमिली में से ही कोई है जिसने हमारे गोल्डन क्रेस्टेड ट्रेजर को खोज निकाला? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो तो हमारे परिवार का ही एक दोस्त है। गोरी, लोगों को सच जानने का पूरा हक है, और मेरी ये नाक सच्चाई का पता सूंघ कर लगा लेती है, और ये सच्चाई बाहर आकर रहेगी। वाह, अब तुम्हारी बर्ड सिक्योरिटी ने हमारे राज को भी खतरे में डाल दिया। तुमने सही कहा, मैंने ही सबको मुश्किल में डाला है। अब मैं ही निकालूंगा, मैं उससे बात करूंगा। ओह, मजा आएगा। मैं ग्राहम की आवाज बदलने वाली मशीन ले आऊंगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई लड़की बोल रही है अपनी मीठी आवाज में। गौरी, इस खामोशी को क्या समझूं? कुछ मत बोलना। मिस्टर प्रेस्कॉट, मैं आपकी उससे बात करवा दूंगा, लेकिन वो गुमनाम ही रहना चाहता है। आप उसका नाम या कुछ और नहीं पूछ सकते। अजीब बात है, लेकिन ठीक है। हेलो मेरे गुमनाम दोस्त। हेलो, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ डियर मैडम। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगी कि आपको वो बर्ड्स कहाँ और कैसे मिले? बिल्कुल, असल में एक दिन मैं बर्ड्स को देखने के लिए जंगल में गई थी। मुझे बर्ड्स बेहद पसंद है। तो ये आपकी असली आवाज है क्या? उस मशीन को छोड़ो, वैसे भी उसने तुम्हारी रोबोट वाली आवाज ही सुनी है। सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। वो बर्ड्स बेहद खूबसूरत हैं, परफेक्ट क्रेस्ट वाली, और उनके बेबीज बहुत प्यारे हैं। बेबी बर्ड्स, सुना आपने दोस्तों? वो बहुत शानदार क्रीचर्स हैं, और उन्हें रहने के लिए घर की जरूरत है, और तूफान से बचने के लिए आशियाने की, जैसे कि हम सबको होती है। मैं बस मदद करना चाहता हूँ। ओह सही कहा दोस्त, बिल्कुल सही कहा, और मुझे यकीन है कि दुनिया भर से बर्ड्स के दीवाने उनकी एक झलक पाने के लिए दौड़े चले आएंगे। वैसे उनका घोंसला है कहाँ पर? नहीं 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 नहीं, इसके लिए अभी वो तैयार नहीं है। आप सब उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। बस ये बात यही खत्म हुई। तो ये बात यही खत्म नहीं हुई। चीफ ने कहा था ना, इसके नतीजे ऐसे होंगे जो तुमने सोचे नहीं होंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये सब मेयर का किया धरा है। मैं बता रहा हूँ एल्बर्ट, किस्मत हम पर मेहरबान हो गई। उन बर्ड्स का मतलब है सालों तक टूरिस्ट का आना। अरे ये तो वही मेयर है जिसे मैंने टीवी पर देखा था। मैं इतनी दूर ओहायो से यहाँ आया हूँ, मुझे बर्ड्स को देखना है। हाँ, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि वो कहाँ होंगी। आपको बता नहीं पड़ेगा। बर्ड्स कहीं भी उड़ जाती हैं। देखिए वो, देखिए केट बर्न्स ने ही मुझे उनके बारे में बताया था, आप उसी से पूछिए। मुझे पता था कि बर्न्स कुछ छुपा रहे हैं। सच बताओ केट बर्न्स, तुमने उन बर्ड्स को ढूंढा है ना? क्या मैंने? नहीं। तो फिर तुम्हारे भाई ग्राहम ने? नहीं, उसने भी नहीं ढूंढा, ना डैनी ने, ना चीफ ने, ना ही कोडी ने। अच्छा, तो अब तुम कहोगे कि ये काम तुम्हारे किसी रेस्क्यू बोट ने किया है ना? अच्छा मजाक है हक्सली। केट, तुम्हें हमें बताना होगा, पब्लिक को जानने का हक है और हमें भी है। ठीक है, बर्ड्स को मैंने ढूंढा है। तुमने ढूंढा है? क्या बात है? अब जबकि तुम्हारा राज खुल चुका है, हमें बताओ केड कि गोल्डन क्रेस्टेड वुडपेकर्स आखिर दिखते कैसे हैं? कुछ खास नहीं, बर्ड जैसे दिखते हैं। उसके पंख है और वो लकड़ियों को चोंच मारता है। हाँ, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वो आखिर रहते कहाँ हैं। क्या तुम ये बता सकते हो? अरे नहीं, कोई केट को कॉल करो और उसे ये सब बताने से रोको। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। एक पेड़ में, पेड़ के एक छेद में। ठीक है, लेकिन आइलैंड में कहाँ रहते हैं? कुछ मत बताना बेटे। फोन उठाओ जल्दी। उसे मत बताना। ब्लॉसम वेल। क्या? केट। ब्लॉसम वेल। और इसी मौके पर मैं ये ऐलान करता हूँ आने वाले वुडपेकर वंडरलैंड लग्जरी कैंप ग्राउंड्स का, जिसे इत्तेफाक से बनाया जाएगा खूबसूरत ब्लॉसम वेल में।
हालात आगे बहुत बिगड़ने वाले हैं। बर्ड वॉचर्स तो एकदम सनकी होते हैं। मैंने सुना है कुछ बर्ड वॉचर्स ने एक रेयर बर्ड को ढूंढने के लिए पूरा शहर सिर पर उठा लिया। इतनी भीड़ होने का मतलब है कि काफी विजिटर्स खो जाएंगे। लगता है अब हमारी भाग दौड़ बढ़ने वाली है। तुम सब जाओ, मैं गेट का इंतजार करूंगा। किसी का शहर में रहना भी जरूरी है, अगर इमरजेंसी आ गई तो। जल्दी पहुंचाने के लिए थैंक्स ब्लेड्स। तो ठीक है, लगता है हम भीड़ से पहले यहाँ पहुँच गए हैं। चेस, बोल्डर, तुम दोनों तैयार हो? बिल्कुल सर, हम इलाके की पहरेदारी कर रहे हैं। टॉक, वो बर्ड्स कैसी हैं? ये बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, और इन्हें देखकर मुझे याद आया कि ये लंच टाइम है और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। सॉरी दोस्तों, अगला नोटिस न मिलने तक ब्लॉसम वेल बंद रहेगा। अगर आप बर्ड्स नहीं है तो यहाँ से हट जाइए, क्योंकि ये नो फ्लाई जोन है। प्लीज रास्ता साफ कर दीजिए। आप भी मिस्टर हैरिसन। भले ही बर्न्स फैमिली ने अपने रोबोट्स को पहरेदारी पर लगा दिया है, लेकिन फिक्र मत कीजिए दोस्तों, हक्सली प्रेस्कॉट को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। सिवाय इसके। देखिए, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, लेकिन फिलहाल सबकी भलाई के लिए ब्लॉसम वेल बंद ही रहेगा। क्या आखिर तुम करना क्या? चीफ, मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए हैं कि ब्लॉसम वेल को लंबे वक्त तक कैंपिंग के लिए खुला रखा जाए, समझ गए तुम? लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। पर ये सब लोग वुडपेकर्स को डराकर भगा देंगे। सॉरी बच्चों, चलो उन्हें अंदर आने दो। सुरक्षित बाहर निकालो। पहुंच रहे डैड, बस पहुंचने ही वाले हैं। ध्यान से सुनो इंसानों, सब लोग मेरे पीछे पीछे एक लाइन में चलते चले आए। लाइन अपनी हाइट या उम्र के हिसाब से तय कर लें। वुडपेकर्स को मत भूलना, इंसानों की जान जरूरी है, बर्ड्स को कुछ नहीं होगा। बोल्डर, वो पहाड़ी जहाँ तुमने फूलों की झाड़ी हटाई थी, वहाँ की मिट्टी से हम आग का रास्ता रोक सकते हैं। अच्छा आइडिया है, चलो फिर चलते हैं। ब्लिट्स, जब तक केट और हीटवेव यहाँ नहीं आते, हमें ही पानी का इंतजाम करना होगा। ये डाला पानी मेरा जवाब नहीं। सॉरी मिस्टर मेयर, गलती से हुआ है ना? हो सकता है। पानी की सप्लाई आ गई। मैंने तुमसे कहा था, अगर तुमने सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया होता तो ना तो इंटरव्यू होता, ना भीड़ आती, ना लकड़ी आती और ना आग लगती। पता है, तुमने सही कहा। कम से कम हमने वुडपेकर्स को बचा लिया। साथियों, वो चले गए। ओ बोल्डर, मुझे अफसोस है। इतना सब कुछ किया और हम उन बर्ड्स को नहीं बचा पाए। काश मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं होता, तो ये सब होता भी नहीं और वो सुरक्षित रहते। सॉरी पार्टनर, शायद यही वो नतीजा है जो सोचा नहीं था। ये एक ऐसा नतीजा है जिसे काश मैं किसी तरह बदल सकता। उदास मत हो टीम,
कम से कम तुमने अच्छा काम करने की कोशिश तो की। अच्छे काम में कितनी मुसीबत होती है। इतने उदास क्यों हो मेरे रोबोट दोस्तों? बर्ड्स का दोबारा गायब हो जाना कोई जश्न मनाने वाली बात तो है नहीं, और वो सब मेरी गलती है। इतना मायूस होने की जरूरत नहीं, हमारे गोल्डन क्रेस्टेड दोस्त भले ही खतरे में थे लेकिन वो बेबस बिल्कुल नहीं थे। जब मैं पहले वुडपेकर्स को देखने गया था मैंने उन सबकी टांगों में ट्रेसर्स लगा दिए थे ताकि मैं उनकी खबर लेता रहूं। बर्ड्स ने आग देख ली थी और वो अपने बेबीज के साथ दूसरी वैली में उड़ गई। वो सब ठीक है। अरे शानदार। और क्योंकि उन्हें अपना इलाका पसंद होता है मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही वो लौटकर अपने घर ब्लॉसम वेल आ जाएंगे। उन्हें बचाने की कोशिश में हमको ज्यादा ही आगे निकल गए। हम भी उन्हें बर्ड वॉचर्स की तरह बन गए थे। हम ऐसा फिर से नहीं होने दे सकते। शायद डैड ने इसीलिए कहा था कि बैलेंस बनाकर रखो। पता नहीं वुडपेकर्स के साथ ऐसा करने का कोई तरीका है या नहीं, ऐसा तरीका जिससे वो सुरक्षित रह सके और लोग भी उन्हें देख पाए। कोडी, तुम्हारी बात से मुझे एक आइडिया आया है। और डॉग ग्रीन के साथ बातचीत करने के बाद मैं बहुत खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ लस्की बर्ड सैंक्चुरी शुरू करने वाले हैं, जहाँ बहुत कम दिखने वाली बर्ड्स मौजूद होंगी और उन्हें देखने के लिए लोगों को पैसे देने होंगे। और एक बार में हम कुछ ही लोगों को अंदर आने देंगे, इससे बर्ड्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारे वेबकैम से दुनिया के कोने कोने में बैठे बर्ड वॉचर्स इन अनमोल गोल्डन क्रेस्टेड बर्ड्स को देखने का मजा उठा सकेंगे जो आराम से यहाँ रहती हैं। ये मजा आ गया।